सलाम, उम्मीद करता हूँ आप तमाम लोग खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो में अनबॉक्सिंग करने जा रहे हैं इस एक रथ फूड डिस्पेंसर की। वॉल माउंटेड फूड डिस्पेंसर है, किचन में यूज होता है, डिफरेंट इंग्रेडिएंट्स, चावल और दालें वगैरह रखने के काम में आता है। बटन्स लगे होते हैं, एज पर रिक्वायरमेंट आपको जितना चाहिए बटन दबा के उतनी क्वान्टिटी आप निकाल सकते हैं, और बहुत अच्छी चीज़ है और बहुत आपके लिए यूजर फ्रेंडली है। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं, बगैर टाइम ज़्यादा करेंगे। एक रिक्वेस्ट, लाइक कर दीजिएगा, वीडियो अच्छी लगी है कमेंट करके बताइएगा कमेंट सेक्शन में कि कैसी वीडियो लगी है। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि आपको मज़ीद ऐसी वीडियोस मिल सके, और बहुत अच्छी लगे तो शेयर कर दीजिएगा, मोटिवेशन लेनी है तो स्टार्ट करते हैं। अच्छा जी, मैंने इसको अभी बाहर निकाल लिया, ये कुछ इस शेप के अंदर है, ठीक है। और इसको मैं यहाँ से ओपन करता हूँ तो इसके अंदर पूरा इसका सामान मौजूद है। वीडियो पूरी देखिएगा, पूरा इसको असेंबल करके आपको दिखाऊंगा किस तरह से असेंबल होता है और किस तरह से यूज़ कर सकते हैं। तो साथ रहिएगा, इसको असेंबल करते हैं। अच्छा देखिए, मैंने इसको निकाल लिया है पूरा, इसका एक पार्ट ये आ गया, सही है। इसको आप चाहे स्लेब पे भी रख सकते हैं और दीवार पर लगाना चाहे दीवार पर भी लगा सकते हैं। और मैं आपको पूरा दिखा रहा हूँ, तरीके से देखिएगा। ये पार्ट तो इसका आ गया, यहाँ आगे बटन है इसके, ठीक है। उसके बाद अगर मैं बात करूं उसके इस पार्ट की, तो यहाँ अगर आप गौर से देखेंगे तो आपको आइडिया हो जाएगा कि ये हिस्सा इसका पूरा प्लेन है। और इसको अगर मैं ऐसे मूव करता हूँ, ठीक है, तो इस जगह पे आप देख रहे हो दो एंगल्स दिए हुए। तो दो एंगल्स जो मैंने दिए हुए हैं उसकी वजह ये है कि इनके साथ आपका ये पार्ट पीछे अटैच होगा, ठीक है। अच्छा, ये पार्ट किस तरह अटैच होगा, ये जो साइड है आपकी, ये साइड आपकी दीवार में लगेगी, ठीक है। और इधर से स्क्रू लगेंगे, स्क्रू आप बाजार से भी खरीद सकते हैं और इसके साथ भी मैंने दिए हुए, ठीक है। ये आप वॉल में लगाएंगे, जब वॉल में फिक्स हो जाएगा उसके बाद तरीके से इसको आप इस जगह को इसके साथ क्लिप कर देंगे। इसको ऊपर से लेके जाएंगे, क्लिप कर देंगे। मैं अभी आपको क्लिप करके भी दिखा दूँगा, ठीक है। जो इसका प्लेन वाला पार्ट है, उस प्लेन पार्ट को आप इसके बिल्कुल इधर रखेंगे, इस जगह पर बटन वाली साइड पे। जो हुक वाला पार्ट है उसको आप बैक साइड पे रखेंगे, इस जगह पे ये आपका असेंबल हो जाएगा। अगर मैं इसको असेंबल कर सकता हूँ तो ठीक है, मैं इसे असेंबल करता हूँ। ये देखेंगे, मैंने पूरा असेंबल कर दिया है इसको, ठीक है, ये पूरा असेंबल हो गया। अब इसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या है इसका, इसके अंदर हमने पार्टीशंस लगाने ताकि चीज़ें आपस में मिक्स ना हो। पार्टीशंस इसके लगाते हैं, ये इसके पार्टीशंस हैं, ठीक है। इस पार्टीशन को अगर मैं यहाँ पे लेता हूँ तो सिंपल डेट, ये और ये पार्टीशन मैं इसका इस जगह पे लगा दूँगा। ये एक पार्टीशन रख दिया, इसी तरह से वेदर ऑन मैं इसका सेकंड पार्टीशन भी लगा दूँगा, ठीक है। और इसी तरह मैं इसके सारे पार्टीशंस लगा देता हूँ। अच्छा जी, ये देख सकते हैं वेदर ऑन मैंने इसके सारे पार्टीशंस लगा दिए, ठीक है। ये पार्टीशन इस तरह आ गए, जो आपका बड़ा वाला साइड है इधर आप चावल डाल सकते हैं, बाकी छोटी जगहों पे आप दालें डाल सकते हैं। अच्छा, पार्टीशन में मैं एक चीज़ आपको दिखाता चलूँ, अक्सर लोग कंफ्यूज होते हैं पार्टीशन में ये एरो दिया हुआ है, अगर मैं आपको दिखा सकूँ, ये आप देख सकते हैं ये एरो दिया हुआ है, ठीक है। ये जो एरो वाला पार्ट है ये हमेशा नीचे जाएगा, ठीक है। ये एरो वाले पार्ट को आप हमेशा नीचे करेंगे ताकि आपका जो पार्टीशन है वो सही तरह से फिक्स हो जाए। अगर आप इसे ऊपर रखेंगे तो पार्टीशन नीचे जाने में मसला करेगा। ये आपका फिक्स हो गया, उसके बाद आपने जो इंग्रेडिएंट जहाँ डालने उस जगह पे आप डाल सकते हैं। डालने के बाद आप इसको कवर कर सकते हैं, ठीक है। ये हमने यहाँ से इसको कवर कर दिया। अच्छा जी, ये कवर्ड हो गया। अब कवर्ड होने के बाद वेदर ऑन में अगर आपको मज़ीद दिखा सकूँ तो ये आप देख सकते हैं, ये आपके पास ट्रे है जिसके अंदर आप आइटम भी निकालने लेंगे। इस ट्रे को इधर से भी डालने, यहाँ लगाएंगे, ये बटन प्रेस करेंगे, ये निकालने, ये बटन प्रेस करेंगे, आगे जाने मूव ऑन, आगे मूव हो जाएंगे और इसी तरह से बटन को प्रेस करेंगे। इन द लास्ट एक चीज़ हमने आपको दिखाते चलूँगी, इसके बैक साइड के जो हमें अटैचमेंट करनी है वो किस तरह करनी है। अच्छा देखिए, अब ये इसका बैक साइड आ गया, सही है। ये वो बैक साइड है जहाँ पे हमने क्लिप करना है। क्लिप को मैंने आपको बताया था, ये हमारा क्लिप है, ठीक है। जब हम इसे दीवार पर रखेंगे तो दीवार पर इस तरीके का से उसको फिक्स कर देंगे। ये हिस्सा बैक पर दीवार वाली साइड पर चला जाएगा और ये हिस्सा इसका फ्रंट पर रहेगा। और जब हम इसको लगाएंगे तो कुछ इस तरह से हम इसको फिक्स कर देंगे, ये चीज़ यहाँ चली जाएगी। अभी आपका फिक्स हो गया वॉल के ऊपर, ये आप इसको यहाँ से माउंट भी कर सकते हैं।
ठीक है। ये है कि वॉल आपकी जो है वो मजबूत होनी चाहिए ताकि आप इसको यहाँ से इजीली माउंट कर सकें, और अगर वॉल आपकी नाजुक है तो फिर आप क्या करें, इसको सिंपल स्लैब के ऊपर आप रख लें। ये इससे दीवार के अंदर फिक्स करेंगे विद स्क्रू, ठीक है, और इसको आप फिक्स कर देंगे। और अगर फिक्स नहीं करना चाह रहे हो आप इसको, तो फिर आप इसको सीधा स्लैब पे रख देंगे, जिस तरह से हम स्लैब पे रखते हैं। तो ये इसका पूरा ओवरव्यू था, ये सारी इसकी फिक्सेशन थी, असेंबलिंग थी, ठीक है। अब मज़ीद अगर किसी को कोई सवाल करना है कमेंट में कर सकते हैं, मेरा नंबर है 03452709768, उस नंबर पे भी आप रابطہ कर सकते हैं, ठीक है, और रابطہ करके आप जो भी बात है वो पूछ सकते हैं, ठीक है। ऑर्डर करना चाहे तो भी इसी नंबर पे कर सकते हैं, नंबर मैं डिस्क्रिप्शन में भी दे रहा हूँ। ये वीडियो थी, जब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिएगा, इंशाल्लाह अगली वीडियो में मिलेंगे किसी नए टॉपिक के साथ। अल्लाह हाफिज़।